देखो ना आदिया, हर काम में अलग ही मसलियत होती है। हॉस्टल में जगह ही नहीं मिली, वरना भाभी ने तो तुम्हें। मुझे फिर भी लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। आदिया तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? भाभी ने जो किया उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम नहीं जानती भाभी जुहेब से कितनी मोहब्बत करती हैं। उसकी ज़रा सी तकलीफ में तड़प जाती हैं। उन्हें जब ये पता चला ये हादसा तुम्हारी वजह से हुआ है, तो गुस्से पर काबू नहीं पा सकी। देखो आदिया, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। इस घर में और भी लोग हैं जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं हूँ, तुम्हारे शौकत अंकल हैं, मानूर तुमसे कितना प्यार करती है। जुहेब, तुम यहाँ क्यों आ गए? कुछ चाहिए था मुझे बता देते, तुम्हें आराम करना चाहिए। चाची, कितना आराम करूं, ठीक हो गया हूं मैं। वैसे दिल चाह रहा था कि आपके हाथ का सूप पी लूं, तो इसलिए आ गया था। अभी बना के लेके आते, मुझे पहले बता देते। ये कटिंग कर, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू। आप कहाँ जा रही हैं? प्लीज एक सेकंड की बात सुन लें। जी आपको पता था ना कि मैं आया था, लेकिन आप फिर भी मिलने आए। यार ये भी नहीं पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो अम्मा ने किया आपके साथ वो ठीक नहीं था। आप अपना ख्याल रखें। जुहेब, मैं दुपट्टा छोड़ें। अगर पकड़ना चाहता था तो आपको दुपट्टा नहीं पकड़ता, आपका हाथ पकड़ता।